190 या 491 पे स्टेट चेंज कर सकते हैं या नहीं? वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और सभी को आंसर देने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज, कि अगर आप 491 या 190 होल्ड कर रहे हो और अगर आप स्टेट मूव करना चाहते हो तो टेक्निकली स्पीकिंग आपके वीजा पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है विच कैन स्टॉप यू टू मूव अ स्टेट, आपको स्टेट मूव करने से रोक सके ऐसा कोई रूल नहीं है, आपके वीजा पे कोई कंडीशन नहीं है, दैट्स व्हाट वी कैन से। लेकिन जब आपको ये जो स्टेट ने आपको स्पॉन्सर किया था, उस स्टेट ने जब आपको स्पॉन्सर किया था तब आपसे एक डिक्लेरेशन साइन करवाया था जहां पे आपने उनको प्रॉमिस किया था कि हम 2 साल आपके स्टेट में या 3 साल आपके स्टेट में रहेंगे। लेकिन अगर आप मूव हो जाते हो तो वो जो कमिटमेंट आपने किया है वो ब्रीच करते हो, और अगर ब्रीच करते हो तो इफ द स्टेट वॉन्ट्स दे कैन टेक सर्टन एक्शंस, लेकिन यूजुअली ऐसा देखा गया कि वो लोग इतना डीप नहीं जाते हैं एंड पीपल गेट अवे विद द वीजा। सो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने सर्कमटेंसेस या फिर अपनी सिचुएशन के मुताबिक लीगल एडवाइस लेना जरूरी है। तो अगर आप स्टेट मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, परमिशन लेके मूव कर सकते हैं कि विदाउट परमिशन मूव कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक माइग्रेशन एजेंट या लॉयर ही दे सकता है। तो प्लीज बुक अ कंसल्टेशन राइट नाउ। माय नेम इज कृणाल नायक, आई एम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम ग्रोमोर इमिग्रेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।